Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com पर और मैं हूँ आपके साथ आरशी दुआ। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस इन इंडिया के बारे में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो रेवोल्यूशन है वो है आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन, जो थी 1966 से लेके 1967 तक। ये बेसिकली एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करती थी रेवोल्यूशन, ठीक है, और इसके फादर थे MS स्वामीनाथन, ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो हुआ कि इट रिजल्टेड इन अ रिकॉर्ड ग्रेन आउटपुट ऑफ 131 मिलियन टन्स इन 1978 एंड 1979। नेक्स्ट इज वाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड, जो आई थी 1970 से लेकर 1996 तक, ठीक है। ये बेसिकली मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स के फील्ड में काम करती थी। इसके फादर थे मिस्टर वर्गीस कुरेन, ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो क्या हुआ कि इट ट्रांसफॉर्म द कंट्री फ्रॉम मिल्क डेफिशिएंट नेशन टू अ वर्ल्ड लीडर इन मिल्क प्रोडक्शन। इसने पूरे वर्ल्ड को लीडर बना दिया था मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन ने, ओके। नेक्स्ट इज ब्लू रेवोल्यूशन, ये थी 1973 से लेकर 2002 तक, और ये फिश और एक्वा के फील्ड में काम करती थी। और इसके फादर थे डॉक्टर अरुण कृष्णन। और इसका इम्पैक्ट हुआ कि इसने इम्प्रूव किया एक्वाकल्चर और फिशरीज सेक्टर को। इट ब्रॉट एन इम्प्रूवमेंट इन द एक्वाकल्चर एंड फिशरीज सेक्टर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स लाता गया ये रेवोल्यूशन, और बेसिकली जो पूरा एक्वाकल्चर और फिशरीज सेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन से, ओके। नेक्स्ट इज गोल्डन रेवोल्यूशन, ये थी 1991 से लेके 2003 तक, और ये फ्रूट्स हनी हॉर्टिकल्चर के फील्ड में काम करती थी। इसके फादर थे मिस्टर निरपक तुटेज। और इसका इम्पैक्ट हुआ कि इट इज़ मार्क्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द एरियाज ऑफ हॉर्टिकल्चर हनी एंड फ्रूट प्रोडक्शन। ये तीनों फील्ड में हॉर्टिकल्चर हनी एंड फ्रूट प्रोडक्शन में इंक्रीज प्रोडक्टिविटी जो थी वो इंक्रीज हुई गोल्डन रेवोल्यूशन के आने पर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सिल्वर रेवोल्यूशन, ये आई थी 2000 में। ये बेसिकली एग के फील्ड में काम करती थी, एग प्रोडक्शन, ठीक है। और इसके ये रेवोल्यूशन कौन देखता था, वो देखती थी ये रेवोल्यूशन देखती थी इंदिरा गांधी, ठीक है, मिस इंदिरा गांधी। और इसका इम्पैक्ट था कि दिस लेड टू द इंक्रीज इन एग प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन पोल्ट्री सेक्टर। पोल्ट्री सेक्टर में एक डेवलपमेंट हुआ, एग प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा सिल्वर रेवोल्यूशन ने एग के फील्ड में, एग प्रोडक्शन के फील्ड में, ठीक है। चलिए, येलो रेवोल्यूशन, ये थी 1986 से लेके 1990 तक, ठीक है। और ये ऑयल सीड्स के फील्ड में काम करती थी, और इसके फादर थे मिस्टर सैम पिट्रोडा। और इसका इम्पैक्ट हुआ कि इट इम्प्लांटेड द हाइब्रिड मस्टर्ड एंड सेसमे सीड्स विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल का जो प्रोडक्शन था उसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया येलो रेवोल्यूशन ने, ठीक है। नेक्स्ट इज पिंक रेवोल्यूशन, ये आई थी 1970 में। बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉन्स और अनियन के फील्ड में काम करती थी, और इसके जो फादर थे वो थे दुर्गेश पटेल, ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो हुआ कि इसमें इसके आने से अनियन प्रोडक्शन में जो चेंजेस आए थे वो हुए थे। अनियन प्रोडक्शन में बेसिकली इंक्रीमेंट हुआ था। इसका मोटिव ही यही था पिंक रेवोल्यूशन का कि अनियन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर कोकोआ के फील्ड में काम करती थी। इसके फादर थे हीरालाल चौधरी, ठीक है। इसका इम्पैक्ट जो हुआ वो हुआ कि इट कॉज्ड अ राइज इन लेदर प्रोडक्शन। लेदर प्रोडक्शन में एक राइज हुआ था, ठीक है, ब्राउन रेवोल्यूशन के आने से। नेक्स्ट इज रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन मीट टमेटो इन सब के फील्ड में काम करती थी, ठीक है। इसके फादर थे
ये आई थी 1980 में रेड रेवोल्यूशन, ठीक है. इसके फादर थे मिस्टर विशाल तिवारी और इसका इम्पैक्ट जो हुआ वो हुआ कि इट लेड टू द बूस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टमेटोज एंड फील्ड्स इन इंडिया. एक बूस्ट मिला किसके प्रोडक्शन को, टमेटोज एंड मीट के फील्ड को, मीट के प्रोडक्शन को, ठीक है. नेक्स्ट इज गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन 1990. ये जूट के फील्ड में काम करती है, ठीक है. जूट का जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है उसको देखती है. इसके फादर थे निरपक टुटेज, ठीक है, निरपक टुटेज. और इसका जो इम्पैक्ट था वो था कि जूट हैज़ इंक्रीज द ऑर्गेनिक फर्टिलिटी ऑफ सॉइल फॉर अदर क्रॉप प्लांटेशंस, ठीक है. जो जूट था उसने इंक्रीज किया ऑर्गेनिक फर्टिलिटी को सॉइल की फॉर अदर क्रॉप प्लांटेशंस, ठीक है. नेक्स्ट इज़ एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो थी 2014 से लेके 2022 तक, ठीक है. ये ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर को देखती थी, उस पर काम करती थी ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड में. इसके फादर थे MS स्वामीनाथन, ठीक है. और इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो था कि इट लेड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स में एक अच्छा इंक्रीमेंट हुआ फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में एवरग्रीन रेवोल्यूशन के आने से, ठीक है. नेक्स्ट इज़ प्रोटीन रेवोल्यूशन जो थी 2014 से लेके 2020 तक. और ये एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करती थी, एग्रीकल्चर में हायर प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है. फादर इसके थे मिस्टर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो थे नरेंद्र मोदी, ठीक है. और इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो हुआ कि इट लेड टू द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ 4% इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग सेक्टर. फार्मिंग सेक्टर में एक सस्टेनेबल ग्रोथ हुआ बाय 4% इस रेवोल्यूशन के आने से, प्रोटीन रेवोल्यूशन, ठीक है. नेक्स्ट इज जो बाकी और रेवोल्यूशंस हैं वो हैं हमारी ग्रे रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन एंड ब्लैक रेवोल्यूशन. टोटल हमारी 17 रेवोल्यूशंस हैं इंडिया में, ठीक है. हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेशंस के साथ. आप हमारे साथ बने रहिए और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.